हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आज का टॉपिक है आईएसओ 45001:2018 वर्जन का बेसिक कंसेप्ट। देखिए, यदि आप किसी भी टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाता है ना, तो आप उस टॉपिक का हर चीज़ आपको समझने में ईजी हो जाता है। इसके पहले हमने आईएसओ 9001 और आईएटीएफ 169 पे बेसिक कंसेप्ट वीडियो बनाया, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक हमारे व्यूअर्स अगर नहीं देखे हैं तो आप आई बटन से देख सकते हैं, या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। आइए आज हम शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ आईएसओ 45001 वर्जन 2018। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि आईएसओ होता क्या है। देखिए, आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आईएसओ है क्या? आईएसओ एक संस्था है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को डेवलप करती है और पब्लिश करती है। और आईएसओ जो है वह एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेड ऑफिस जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और आईएसओ अगर हम 2023 की बात करें तो यह लगभग 167 यानी 167 कंट्री में यह काम कर रहा है। और इसकी अगर हम मेंबर्स की बात करें तो आज के समय में 811 टेक्निकल कमिटीज और सब कमिटीज मिला करके मेंबर्स हैं, जो कि आईएसओ के स्टैंडर्ड को डेवलप करते हैं और इसको पब्लिश कराने में हेल्प करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और आपको समझने की ज़रूरत है कि जो जितने स्टैंडर्ड है, जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, ईएमएस एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, सभी को एक इंटीग्रेट किया जाता है, एक फ्रेम में रखा गया है, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। यानी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आपको क्यूएमएस, ईएमएस, एसएमएस, ईएनएमएस, एफएसएमएस और आईएसएमएस इत्यादि आता है। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट सिस्टम जो स्टैंडर्ड होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं। देखिए, यह अलग अलग स्टैंडर्ड जो है अलग अलग मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करें हम QMS का, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत जो आते हैं वो ISO 9001 आते हैं, IATF 16949 आता है, ISO 13485 आता है, AS 9100 आता है। इसके बाद है एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम EMS कहते हैं, इसके अंतर्गत जो स्टैंडर्ड आता है वह है ISO 40001, और जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंतर्गत आता है ISO 27000, और एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंतर्गत आता है ISO 50001, और फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंतर्गत आता है FSSC 22000, और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके अंतर्गत आता है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, वह है ISO 45001, जो कि ओसास का 18001 का यह रिप्लेसमेंट है। आइए हम बात करते हैं कि ISO 45001 2018 है क्या। देखिए, यह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि स्पेसिफाई करता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कराता है यदि आप यह स्टैंडर्ड आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेते हैं तो। मेन इसका मकसद क्या होता है ISO 45001 का? मेन इसका मकसद होता है कि जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पे इंजूरी को रोकना और इल हेल्थ को, यानी कि अस्वस्थ को रोकना, मेन इसका काम है जहाँ पे वर्कर काम करते हैं। अगर हम गोल की बात करें कि ISO 45001 का मेन गोल क्या है, तो मेन गोल, जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं और बहुत सारे वर्कर्स अपना जान भी गंवाते हैं, कोई अपंग भी हो जाता है, तो यह सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस स्टैंडर्ड को बनाया गया है। मेन इसका गोल है कि ऑक्यूपेशनल जो भी इंजूरी हो रहा है, डिजीज हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करना और एक सही एटमोसफियर जहाँ पे काम होता है उसको पैदा करना जहाँ पे वर्कर काम करते हैं, मेन इसका गोल यही है। और दोस्तों, ISO 45001 जो स्टैंडर्ड है वो लेटेस्ट वर्जन इसका ISO 45001 2018 है। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या अंतर है। दूसरे शब्द में हम कहें कि वो पूछ सकते हैं कि ISO 9001, ISO 14001 और ISO 45001 में क्या अंतर है। देखिए, इसको ध्यान से एक एक करके समझिए। जो ISO 9001 है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत ISO 9001 आता है और IATF 16949 आता है, और यह एक्चुअली यह प्रोवाइड कराता है जो
किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोडक्ट बनता है या कोई सर्विस किसी कस्टमर को प्रोवाइड करा जाता है उसके बारे में फोकस करता है, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में फोकस करता है। दूसरा है ईएमएस यानी आईएसओ 14001, यह क्या करता है, इसका मेन मकसद यह है कि जहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस पर फोकस करता है। तीसरा है जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं आईएसओ 45001, जो कि रिप्लेसमेंट है वो सास का, यह क्या करता है। देखिए जहाँ भी हम काम करते हैं, जहाँ पर वर्कर काम करते हैं वहाँ पे मेन इसका मकसद है कि इंजुरी को रोकना और इलनेस को रोकना और एक हेल्दी वर्क प्लेस बनाना। तो तीनों में क्या क्या अंतर हो गया, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करता है और आईएसओ जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पर क्या हो रहा है इस पे बात करता है और आईएसओ 45001 जो है वह सेफ्टी से रिलेटेड बात करता है। ये मेन तीनों में अंतर है। आइए हम बात करते हैं कि इसका जर्नी कैसा हो, यानी कि आईएसओ 45001 का जर्नी क्या है। देखिए सबसे पहले वो सास के नाम से यह स्टैंडर्ड निकाला गया, वो सास 18001 1999 में, यानी कि 1999 में सबसे पहले वो सास 18001 के नाम से स्टैंडर्ड निकाला गया। वो सास का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सीरीज। उसके बाद इस वो सास स्टैंडर्ड को जो इस वो सास 18001 है उसको रिवाइज किया गया और 2007 में जुलाई में इसका दूसरा रिवाइज करके पब्लिश किया गया और इसी चीज़ को आईएसओ ने क्या किया कि इसको रिप्लेसमेंट करके, क्योंकि वह चाहता था कि पूरे एक ऐसा स्टैंडर्ड सेफ्टी से रिलेटेड बनाया जाए जो कि पूरे वर्ल्ड में काम करे, इसलिए उसने वो सास को रिप्लेस करके आईएसओ 45001 2018 में फर्स्ट एडिशन के रूप में निकाला गया। आइए हम बात करते हैं क्लाउजेस को लेकर के। देखिए चाहे आपका आईएसओ 9001 हो, आईएसओ 14001 हो या आईएसओ 45001 हो, सभी का 10 क्लाउजेस है। अगर हम क्लाउजेस आईएसओ 45001 की बात करें 2018 का, तो इसमें 10 क्लाउजेस है। कौन कौन सा है आइए देखते हैं। पहला है स्कोप, दूसरा है नॉर्मेटिव डिफरेंस, तीसरा है टर्म्स एंड डिफिनेशंस, फोर्थ है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ है लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन, सिक्स्थ है प्लानिंग, सेवन्थ है सपोर्ट, एट है ऑपरेशन, नाइन्थ है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड टेंथ है इम्प्रूवमेंट। देखिए यह 10 क्लाउजेस है, लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो 1 से लेकर 3 तक है, यानी स्कोप, नॉर्मेटिव डिफरेंस, टर्म्स एंड डिफिनेशन, यह केवल बैकग्राउंड के बारे में बात करता है, यानी कि डिफिनेशन और रिफरेंस केवल है। जो ऑडिट कराया जाता है वो 1 से लेकर 3 तक का ऑडिट नहीं कराया जाता है, जो ऑडिट कराया जाता है वो 4 से लेकर 10 तक कराया जाता है, जिसे हम ऑडिटेबल क्लाउजेस भी कहते हैं। दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि यदि आप आईएसओ 45001 का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे टर्म बार बार आएंगे जिसका मीनिंग मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपका सेल आता है तो वह इंडिकेट करता है रिक्वायरमेंट को लेकर के, अगर शुड का वर्ड आता है तो यह इंडिकेट करता है रिकमेंडेशन से रिलेटेड है, और अगर मे आता है तो मे का इंडिकेट होता है परमिशन से, अगर कैन आता है तो कैन इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटी या कैपेबिलिटी का, अगर कहीं नोट लिखा हुआ है तो आपके गाइडेंस के लिए काम आता है। तो ये समझना जरूरी है स्टैंडर्ड पढ़ने के पहले। तो दोस्तों ये एक बेसिक कंसेप्ट रहा आईएसओ 45001 का, आशा करता हूँ कि अब बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जितने क्लाउज हमने बताया है उस क्लाउज को एक एक करके डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।